नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिचूर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में पिछले 3 दिनों से प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हो रहे हैं और उनसे अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईडी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कई सवालों के जवाब एक जैसे ही दिए हैं, ऐसे में पूछताछ जारी है। उधर राहुल गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज प्रदर्शन के तीसरे दिन कांग्रेसी हिंसक हो गए और उन्होंने ईडी ऑफिस के पास उग्र प्रदर्शन करते हुए टायरों में आग लगा दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। पुलिस ने भाजपा के इशारे से किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना और अंदर घुसकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीटना, ये दर्शाता है कि अब हमारे देश में प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है। संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है और केवल कुशासन और अत्याचार का ही शासन बचा है। पर इसे चेतावनी माने दिल्ली पुलिस भी और भाजपाई कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? फिर तो इस देश में हर घर में जहां मां बहन बेटी भाई पिता है, दरवाजा तोड़ेगी दिल्ली पुलिस, अंदर जाएगी और पीटेगी और कहेगी आप घर में 5 लोग क्यों बैठे हैं? इसका जवाब और हिसाब दोनों मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लें। हम गांधीवादी जरूर हैं, हम अहिंसक जरूर हैं, पर इसका हिसाब लिया जाएगा। और वो सारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो कठपुतली बनकर मोदी सरकार की चापलूसी में लगे हैं, तलवे चाटने में लगे हैं, वो ये भी जान लें कि एक एक अधिकारी का जो कानून और संविधान की हत्या कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, उसका हिसाब भी होगा। हम कड़े से कड़े शब्दों में मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के इस कुकृत्य की भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि उन सब पुलिस अधिकारियों पर FIR दर्ज कर उन्हें सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठे। इस कुकृत्य के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि आज पूरे देश में 4 बजे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण या कांग्रेस विधायक दलों के नेतागण जो भी उपलब्ध होगा, आज तो वो इसकी भर्त्सना करेंगे ही। कल पूरे देश के अंदर राजभवनों का घेराव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार के इशारे पर ये हो रहा है और राजभवन जो है वो मोदी सरकार का प्रतिबिंब है। 17 तारीख को एक दिन छोड़कर कल के बाद हर जिला मुख्यालय पर भी जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से महंगाई के खिलाफ आवाज ना उठे उसे दबाया जा रहा है। 31 साल के में सबसे अधिक पायदान पर महंगाई है। बेरोजगारी के खिलाफ उठने वाली राहुल जी की आवाज को दबाया जा रहा है। किसान के हक में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है। शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के हक में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है और अब कांग्रेस के मुख्यालय पर भी हमला बोला जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत कल हर गवर्नर हाउस का घेराव होगा और परसों हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे। जान ले मोदी जी, प्रजातंत्र की अवहेलना करने वालों की खैर नहीं। अहंकार रावण का भी टूटा, अहंकार कंस का भी टूटा, अहंकार दुर्योधन का भी टूटा, अहंकार आज की सत्ता के सिंहासन पर बैठे मदमस्त लोगों का भी टूटेगा।
नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने ये भी कहा कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो। कल देश भर में कांग्रेस के लोग राजभवन का घेराव करेंगे। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज शाम 4 बजे से देश भर में प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार के निर्देश पर पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, हमने भारत के इतिहास में ऐसी बर्बरता कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि क्या हम आतंकवादी हैं, वे हमसे क्यों डर रहे हैं, वे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी और 3 दिनों से ईडी की पूछताछ भी जारी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से राहुल गांधी की आवाज़ में आवाज़ मिला रखी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, गिरिराज गर्ग कांग्रेस से, सुरेंद्र सिंह बीजेपी से, विनोद शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। गिरिराज गर्ग जी, कांग्रेस पूरे तेवर में है इस समय ईडी से पूछताछ को लेकर। ईडी जो पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, और आज कांग्रेस हिंसक भी हो गई। देखिए चंद्रशेखर जी, देश की 75 साल की आजादी में लोकतंतर और प्रजातंत्र में ऐसी बर्बरता, ऐसी हिटलरशाही, ऐसी तानाशाही सरकार पहले कभी नहीं आई। आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड वाले मामले में 2012 में परिवाद दर्ज किया, मोदी जी की सरकार बनी, 2 साल बाद 2015 में उसके ऊपर एफआईआर लग गई, उसको बंद कर दिया गया, 7 साल तक सरकार सोती रही, और अब दोबारा से संबंध जारी करके अच्छा पूछना क्या चाहते हैं? कंपनी जो थी वो कंपनी के शेयर ट्रांसफर हुए हैं, एक नए पैसे का लेन देन नहीं हुआ, जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है वो कहीं खुर्द बुर्द नहीं हुई, और जब आज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है कि बैंकों के सारे ऑनलाइन है, सेबी में सारी जानकारी है, शेयर जो है वो जिस कंपनी के होते हैं वो सारे सेबी में नोट होते हैं, सारी एजेंसियां ऑनलाइन है, फिर ईडी 3 दिन से क्या पूछ रही है, क्या जानना चाहती है? क्या सरकार के पास इन एजेंसियों के पास जानकारी नहीं है? जो 3 रोज से जो है पूछताछ कर रहे हैं, 10-10 घंटे बिठा रहे हैं, ये सब जो है देश का ध्यान भटकाने की एक साजिश है। पूरे विश्व के अंदर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की नाक कटी है। इन्हीं के प्रवक्ताओं ने जिस तरह के बयान दिए, पूरे विश्व में उसकी आलोचना हुई है, इनको माफी मांगनी पड़ी, अपने प्रवक्ताओं को इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। आज देश के अंदर महंगाई पे चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं है, आतंकवाद पे चर्चा नहीं है, भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं है, चर्चा सिर्फ ईडी और राहुल गांधी के ऊपर है। जो 15 में आपने अपनी सरकार के अधिकारियों ने जिस केस को बंद कर दिया, एफआईआर लगा दी, उसको 7 साल बाद वापस उसको आप खोल रहे हैं, आप संबंध जारी करके बुला रहे हैं, और आपके पास जानकारियां नहीं है क्या? आप सरकार में बैठे हुए हैं, सारी एजेंसियां आपके हाथ में है जी, सारी ऑनलाइन सिस्टम है, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, और उसके बाद में द्वेषतापूर्ण। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के AICC के दफ्तर को घेरना 3 दिन से, उसको पुलिस की छावनी बनाना, और आज तो पराकाष्ठा हो गई कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए कि आप कार्यालय में घुस के लाठीचार्ज करें। ये सब देश देख रहा है। 1978 में भी आप लोग सरकार में थे, आपने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ ऐसे ही बर्बरतापूर्ण कायरतापूर्ण हरकत की थी। 2 साल के अंदर देश ने जवाब दिया,
आपकी सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। ये देश है, ये देख रहा है, अहंकार से सरकारें नहीं चलती। रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर का भी अंत हुआ था। आप ये दिमाग से निकाल दे कि हमेशा के लिए सत्ता में आप ही रहेंगे और वो अधिकारी जो दबाव में काम कर रहे हैं वो सरकारी नौकर हैं, वो सत्ता बदलती रहती है। इस बात को अपने मन में धार ले, कल सत्ता जब बदलेगी, जब सरकार में जो आएंगे उन अधिकारियों को दोनों नेताओं को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सुरेंद्र जी बताइए, पुलिस एआईसीसी के हेडक्वार्टर में एआईसीसी में घुस गई और इस तरह की बर्बरता हो रही है। देखिए चंद्रशेखर जी, जिस तरह से अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई इन्होंने 2-3 आरोप लगा दिए, लेकिन ये भूल गए कि किस प्रकार से इमरजेंसी लगाए गए, 84 में दंगा करवा दिए गए, तब ये भूल गए थे बेकसूर लोगों को मारा गया, तब कहां थे, तब की बात भूल गई। और आज आज कौन सा इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो इतने आरोप लगा रहे हैं, भाई इसमें नहीं बोला हूँ, प्लीज आप हमारी बात पूरी सुने। मैंने आपका बात सुना, नहीं भाई साहब मैंने आपकी बात सुने, आप हमारी बात सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, सवाल पूछ रहे उसका जवाब दो आप। हाँ। नहीं, ये इन्होंने किया तो जवाब दे रहा हूँ। सुरेंद्र जी, जो व्यक्ति जेल से बेल पे हो उसके सपोर्ट में पूरा देश से कांग्रेस नेता को बुला लिए, 2-3 दिन चीफ मिनिस्टर को आपने बुला लिया, उस स्टेट का विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप, उनके सपोर्ट में खड़े हैं जो जिन्होंने चोरी किया है, जिनके ऊपर आरोप है। अगर आप साफ सुथरा है सिर्फ देखने के काम आ गए कि देश की जनता जागरूक हो चुका है और कोई काम नहीं है, सिर्फ ये देश की जनता पूर्णतः बेवकूफ नहीं रहा। देश की जनता को हर एक चीज मालूम है अब, और आप उसको गुमराह नहीं कर सकते। ठीक है, आऊंगा सुरेंद्र जी, आऊंगा। अरे अरे भाई सुनिए, आऊंगा। अरे सुन लीजिए। हाँ ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। अरे दिल्ली में जो है गंगा कराने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने, आऊंगा आपके पास। विनोद शुक्ला जी, ये जो चल रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शन चल रहा था, अब ये भी खबरें आने लगी है कि पुलिस एआईसीसी के भीतर घुस चुकी है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए ये सिंपल सा मामला भ्रष्टाचार की इंक्वायरी का है, और उस इंक्वायरी के माध्यम से सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको ईडी ने किसी इंक्वायरी के लिए बुलाया है तो आपको हाजिर होकर के जवाब दे जाना चाहिए था, लेकिन आपको लग रहा है कि इसी बहाने जो कांग्रेस के को जनता का साथ छूटा है उसको जनता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अन्यथा आप ये बताइए, कोई क्रिमिनल उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए तो पूरा मोहल्ला लेके कभी जाता है क्या?
तो ये तो पूरा मोहल्ला ले जाने की कोशिश है जो नैतिक दृष्टि से भी अनुचित है और राजनीतिक दृष्टि से भी अनुचित है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी को या राजनीतिक दल के नेता को बुलाया जा रहा है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने हाजिर हुए हैं, अमित शाह जी हाजिर हुए हैं, आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी हाजिर हुए हैं, जोशी जी आडवाणी हुए हैं और भी बहुत सारे। लेकिन लेकिन इसको इसको पॉलिटिकल मुद्दा कांग्रेस खुद बनाने की कोशिश कर रही है। और पूरा का पूरा कांग्रेस का नेतृत्व आप उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे महासचिव, सारे के सारे प्रवक्ता इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली में मार्च कर रहे हैं, जो कहीं से भी ना तो नैतिक है ना पॉलिटिकल पॉलिटिकली फिट है। इसलिए कि ये मामला आपको बैकफायर कर सकता है, इसलिए कि सबको मालूम है कि बहुत छोटा सा मसला है। अगर आप पर इंक्वायरी है और आपको लगता है कि इसमें कोई ज्यादती हो रही है तो आप अदालत जाइए, आपके पास तो वकीलों की पूरी फौज है और वकीलों की पूरी फौज इसी काम के लिए नियुक्त है, बहुत लंबे समय से ये काम करते रहे हैं। और आप तो वकीलों को दूसरों को देते रहे हैं, जैसे जमीयत उलेमा हिंद को आप वकील लोन पर देते रहे हैं, समाजवादी पार्टी को लोन पर देते रहे हैं, और समाजवादी पार्टी पर आपने एक को लोन पर दिया और उसने उनको राज्यसभा दे दिया, तो ये सब आप करते रहे हैं। तो आप सीधे अदालत जाइए, अगर ये अगर सरकार गलत कर रही है तो अदालत जाइए और इससे रिलीफ खोजिए। लेकिन सड़क पर भीड़ जमा करके सिंपैथी गेन करने करना पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। जी जी चंद्रशेखर जी, गिरिराज जी, पूछताछ कितनी लंबी चलेगी, तब तक आंदोलन चलेगा? गिरिराज जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? चलिए सुरेंद्र जी, हेलो। क्या लगता है कि ये पूछताछ जो हो रही है और कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पुलिस भी जो बर्बरता कर रही है एआईसीसी के भीतर घुसकर कांग्रेसियों को मारा, ये लगता है कि ठीक है? सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है एआईसीसी के भीतर घुसकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और वहीं गहलोत ने कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी से ईडी रात को 12 बजे तक पूछताछ करती है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया या कौन सी अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग हो गई? जहां अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहां तो पूछते भी नहीं है। अशोक गहलोत ने कहा, मोदी को कहना चाहूँगा, आपको भगवान ने मौका दिया है प्रधानमंत्री बनने का, आपकी ड्यूटी है, आप देश के पीएम हैं, देश की जनता के साथ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से इस तरह का व्यवहार मत करवाओ, वरना देश आपको भी नहीं बख्शेगा। यह मैं प्रधानमंत्री को सहसम्मान कहना चाहूँगा, पीएम मोदी का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उसकी बात का वजन होता है। वहीं सीएम ने कहा कि पूरा देश इनकी हरकतों को देख रहा है, इनका घमंड चलने वाला नहीं है, देश में हिंसा का माहौल बन रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का इशू है, देश समझ रहा है। हिंदू की बात करके कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे? हिंदू हिंदू करके बार बार चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए इनमें घमंड आ गया है, कब तक ये हिंदू के नाम पर राजनीति करेंगे? राहुल गांधी के उठाए सवालों का जवाब नहीं दिया। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने अब तक जो सवाल उठाए हैं केंद्र सरकार ने उसका एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। गिरिराज जी, गिरिराज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। गिरिराज आ जी, रही है। ये जो पूछताछ चल रही है और लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या पूछताछ जब तक चलेगी, जब तक प्रदर्शन चलेगा लगातार? अब कांग्रेस पूरे का प्रदर्शन के मूड में आ गई है, क्योंकि कल से आप कह रहे हैं देश भर में प्रदर्शन होंगे, आज शाम 4 बजे से।
देखिए चंद्रशेखर जी, ऐसा आपने कभी देखा है क्या कि नेशनल पार्टी के कार्यालय के अंदर पुलिस घुस के लाठी चार्ज करे? मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर नहीं जा सकता? ऐसा कभी हुआ है क्या इस देश के अंदर? वहां आतंकवादी है क्या अंदर? जो 3 रोज से आपने उसको पूरे कार्यालय को घेर रखा है, और आज तो आपकी पराकाष्ठा हो गई बर्बरता की कि अंदर पुलिस को एंटर करके आपने लाठी चार्ज करवाया। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो नेशनल हेराल्ड का मामला था 2014 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, 2015 में ईडी ने जिस मामले को बंद कर दिया, चलो ठीक है दोबारा खोल लिया, क्या सरकार के पास सेबी नहीं है? क्या सेबी बैंक नहीं है? क्या सारी एजेंसियां सरकार के पास नहीं है? जो सारा सिस्टम आजकल ऑनलाइन है, हर चीज जो है वो बैंकों के सेबी के और सबके पास ऑनलाइन है। ऐसा कहीं छुपाया हुआ नहीं है कि कोई छुप सकती है कोई चीज। और जब एक नए पैसे का लेन देन आज तक नहीं हुआ, जो कंपनी धारा 25 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कोई शेयर धारक एक नए पैसे का प्रॉफिट नहीं ले सकता, वेतन नहीं ले सकता, आज तक किसी ने प्रॉफिट लिया नहीं, वेतन लिया नहीं, जो संपत्तियां हैं वो एज इट इज रखी हुई है, फिर भ्रष्टाचार हुआ था? और हुआ था तो 2015 में आपने ये केस को बंद क्यों किया? सबसे बड़ी बात यह ना कि 7 साल के बाद आप देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए आप द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और निश्चित रूप से मानिए, ये अहंकार जो है लंबे समय तक नहीं चलेगा। देश की जनता जवाब चाहती है। आप महंगाई के ऊपर जवाब नहीं दे रहे हो, बेरोजगारी पे जवाब नहीं दे रहे हो, भ्रष्टाचार पे आज तक आपने लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं की, आरटीआई को आपने खत्म कर दिया। अगर कांग्रेस के नेताओं के मन में कोई पाप होता तो राजीव गांधी आरटीआई का एक्ट लेके नहीं आता, सूचना का अधिकार लेके नहीं आता। ये कांग्रेस की सरकार की देन है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल जो है वो सरकार की सारी एजेंसियों को आपने बिल्कुल अपने कब्जे में कर रखा है कि सरकार में जो भ्रष्टाचार है अरबों खरबों रुपए का, वो भ्रष्टाचार बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके सरकार के मित्र जो है इस देश का लाखों करोड़ रुपए लेके आपने विदेश भगा दिया, आपने एक के खिलाफ भी कार्रवाई की क्या लाने की? आपने देश के उद्योगपतियों का 8 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, किसी गरीब के 5,000 रुपए भी माफ किए क्या? ये देश की जनता बहुत लंबे समय तक नहीं बर्दाश्त करेगी आपको, आपकी नादिरशाही हिटलरशाही को। और यहाँ बैठ के जो आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, ये जस्टिफाई देश की जनता देख रही है। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। सरकारें बदली है, शासन आया है, शासन गया है, लेकिन इस तरह की नादिरशाही और हिटलरशाही कभी नहीं देखी इस देश ने। और जब जब की है, जब जब जनता ने उसका जवाब दिया है। लेकिन सुरेंद्र सिंह जी, देखिए ये सांसदों को सड़क पर घसीट कर मारा जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, लगता है आपको कि ये सही दृश्य है लोकतंत्र के लिए? सुरेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? सुरेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय बना लिए, कहां से आ रहा है ये पैसा? सुरेंद्र जी इस तरह से अडानी के एयरपोर्ट के ऊपर 3,500 करोड़ की हेरोइन पकड़ी जाती है, उसकी जांच हुई क्या? दोबारा कभी पूछा क्या? सुरेंद्र जी जो पुलवामा में आया था उसकी जांच हुई क्या? ठीक है, 45 जवान शहीद हुए थे जिसकी हत्या के ऊपर सरकार बन के आई थी। ठीक है गिरिराज जी, मैं आऊंगा आपके पास, उसकी जांच नहीं हुई। मैं आऊंगा आपके पास गिरिराज जी। ठीक है सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए विनोद जी, ये जो इस तरह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, इसके लिए तो केंद्र सरकार को या कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन सांसदों को घसीट घसीट के मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है सड़कों पर। कल भी एक दृश्य आया था, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एक संयम में होना चाहिए सब काम पुलिस की तरफ से भी? विनोद जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी
विनोद जी, ये जो चल रहा है सब इस तरह टायरों में आग लगाई जा रही है, ये भी गलत है, लेकिन पुलिस जिस तरह से लाठीचार्ज कर रही है वो गलत नहीं लगता आपको? विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि ये गलत है, ये सही है, ये जो पुलिस कर रही है लाठीचार्ज कर रही है, आप भी विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, आपको लगता है ये सही है इस तरह का बर्बरतापूर्ण आचरण? देखिए चंद्रशेखर जी, ये आपको भी मालूम है और देश को भी मालूम है, जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों से कांग्रेस के तमाम नेता अराजकता फैलाने का काम किया, हिंसा करवाने का जो काम कर रहा है, उसको देखते हुए जो अगर पुलिस ने वो देखिए अंदर जाके कोई बात भी नहीं किया है, कर रही है, आप हिंसा झूठ बोल रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है आपकी। भाई साहब आप पहले सुन लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ मैंने आपका सुना, मेरी सुनिए आप। आप जो गांधी जी का नाम जो बदनाम कर रहे हैं ना, गांधी जी इस तरह से कोई भी हिंसा नहीं करते थे, और आपको याद होगा और देश को भी याद है कि आंदोलन या सत्याग्रह ऐसा नहीं होता है। ये भी आंदोलन हुआ था जो कि आपकी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था, आंदोलन उसको बोल रहे हैं। छोड़िए भाई सुरेंद्र जी, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ? अरे सुरेंद्र जी छोड़िए आप, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ? मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आप भी विपक्ष की भूमिका में रहे, क्या आपको लगता है लाठीचार्ज सही है? इस तरह पुलिस घसीट रही है सांसदों को, कांग्रेस के महासचिव को इस तरह मार रही है लाठियों से, क्या लगता है सही है आपको? ये होना चाहिए देश में? देखिए या पुलिस ने किस प्रकार की कार्रवाई की है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये तो अब पुलिस इसका जवाब देगा। ठीक है, ये तो पुलिस इसका जवाब देगा कि किस कारण में कर रहे हैं पुलिस भाई, इस बात को बात है कि पुलिस किसके अधिकार क्षेत्र में है, किसके कहने पे कर रही है पुलिस किसके कहने पे कर रही है? ये देश को देश जवाब मान लेगा उसका, उसका जवाब देश मान लेगा। और यहाँ तक आपने ये कहा कि ज्यादा दिन तक सरकार आपकी नहीं रहेगी, रहेगी ये आप तय नहीं कीजिए, ये देश की जनता तय करेंगे। 2014 में जिस प्रकार से विकास के नाम पे आशीर्वाद हमें दिया, और 2019 में जनता का आशीर्वाद हमें मिला, और भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र जी सुनिए, सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी सुनिए, मैं सुनिए सुनिए, अरे भाई सुनिए आप, मैं आप सुनिए, मैं यहाँ पे महिमा मंडन सुनिए आप, अरे सुनिए आप, मैं आप ये सुनने नहीं बैठा हूँ 8 साल सरकार क्या कर रही है और क्या 2014 में आई थी, मैं कहानी सुनने नहीं बैठा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है विपक्ष की भूमिका में रहे थे आप, ये पुलिस जो कर रही है बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, लाठीचार्ज कर रही है, लोगों को घसीट रही है, आपको लगता है सही है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप 2014 से कहानी सुना रहे हैं पूरी। आप चंद्रशेखर जी एक चीज आप मुझे बताइए, आप गलत तरीका से, आपको परमिशन नहीं दिया गया, आप गलत तरीका से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें अराजकता फैला रहे हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई घटना घट जाए, कोई बाहरी आदमी उसमें घुस जाए, कुछ गलत कर दे, तो फिर आप खड़ा कर देंगे कि पुलिस ने हमको सपोर्ट नहीं किया, पुलिस ने गलत कर दिया, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने गलत कर दिया, इसका जवाब कौन देगा? आप बताइए, आपको परमिशन है आप ये बताइए, आप ये बताइए परमिशन आपको मिला है? ये बताइए आपके मुख्यमंत्री अगर कोई बात कह रहा है तो क्या उनकी बात का वजन नहीं है? आप AICC के भीतर घुसकर लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये सही है? सरकारें आती जाती रहती हैं। चलिए ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सुरेंद्र सिंह जी, क्या आप भी विपक्ष में रहे हैं, जिस तरह पुलिस कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई करती है, क्या लगता नहीं है आपको कि लोकतांत्रिक अगर कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं तो उनका मान सम्मान भी रहना चाहिए, होना चाहिए? तो का है सुरेंद्र जी,
जी सुरेंद्र जी, जी चंद्रशेखर ये AICC के भीतर घुसकर लाठीचार्ज किया जा रहा है, मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं और पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, आप सही बोल रहे बोल हैं? रही है हाँ सर, पूरे कांग्रेस ही झूठ बोल रही है। आप एक ही हमको बताइए ना, अरे सीएम आप को बात दिल्ली करते आने हैं के क्या भाई, जरूरत है, चाहे राजस्थान का हो छत्तीसगढ़ का हो। कैसी बात करते हैं आप, पूरा कर कैसी रहे बात हो, करते हैं आप, 2014 से झूठ बोल रहे हो, दिल्ली आने की क्या पूरी जरूरत कांग्रेस है, झूठ अगर बोल रही है, तीस सब साल झूठ के बोल लिए रहे हैं, बुलाया आपसे बोल रहे हैं, गया आपने तो सबका सीएम ठेका ले राहुल लिया गांधी है। जी जाते। राहुल गांधी, चंद्रशेखर जी पहली बात सुनिए, हाँ मैं जो बता रहा हूँ पहले आप सुनिए एक मिनट। राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए, राहुल जी की अकेले जाके उनसे पूछताछ होती, सही गलत जो भी होता उसका निर्णय उसका क्लियर आ जाता कि भाई वो दोषी है या नहीं है। ये पूरे देश से कांग्रेस नेता को यहाँ आने का क्या जरूरत था? यही तो आप चाहते हो भाई, अरे सुनिए आप, सुनिए सुनिए, आप यही चाहते हो, मनमर्जी आप करते रहो, कोई आपको रोके नहीं। नहीं कांग्रेस, कांग्रेस जाग गई है तो आपको लग रहा है भाई जी, नहीं दबाया जाए, बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं, नहीं बिल्कुल सही है, ये भारतीय जनता सही बिल्कुल आरोप है, ये कोई मनमनी नहीं किया, पूछताछ हो रही है 3 दिन से 4 दिन से, आप लगातार पूछताछ करते रहेंगे, तमाम चीजें मन की करेंगे। अरे जब आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो पूछताछ का होता रहेगा, आप सीधा सीधा जवाब दीजिए। सारा सारा ऑनलाइन निकाल रहे, सारी एजेंसी आपके पास है। संकेत शेखर जी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, पूरे कांग्रेस जो है ना ये भ्रष्टाचारी में लिप्त थे। अरे तो आपने कितने लाख करोड़ बताए थे, अरे आपने कितने लाख करोड़ का आरोप बताया था, कितने कांग्रेसी जेल में हैं, कितने कांग्रेसी जेल में हैं बताइए आप, तो ये कह के आए थे सरकार में, आप कह के नहीं आए थे सरकार में, देश को गुमराह किया प्रधानमंत्री जी ने, कुछ नहीं निकला रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। 2014 में क्या कह के आए थे सरकार में, आप 2014 में क्या कह के आए थे सरकार में कि लाखों करोड़ों का आरोप कांग्रेस ने गबन कर दिया, कितने कांग्रेस जेल में, 8 साल में नाम बताइए मुझे आप, 8 साल में नाम बताइए मुझे आप, नाम बताइए कितने कांग्रेसी जेल में, नाम बताइए आप कितने कांग्रेसी जेल में, बात करते हैं जब से 2014 से सरकार है बताइए ना, बताइए कांग्रेस जेल में, बताइए 8 साल में क्या किया आपने ये नोटिस देने के अलावा, हेलो ये नोटिस देने के अलावा कितने कांग्रेसी जेल में 8 साल में, बताइए ना, नाम बताइए मुझे, एजेंसी का काम है, कोई रोल नहीं है, बेकार की बात करते हैं आप, सब जानते हैं आप क्या हो रहा है। विनोद शुक्ला जी, ये आपको भी मालूम है, अरे मुझे सब मालूम है, विनोद शुक्ला जी चलिए मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास, अरे मैं आऊंगा आपके पास, विनोद शुक्ला जी मैं आऊंगा आपके पास, विनोद शुक्ला जी आवाज आ रही है आपको मेरी, विनोद शुक्ला जी 8 साल पहले क्या कहा गया था, कांग्रेस ने लाखों अरबों हजारों करोड़ों का घोटाला किया है, कितने कांग्रेसी जेल में 8 साल से, बीजेपी को नहीं लेना चाहिए था ये काम कि चलिए भाई सरकार में आ गए उन कांग्रेसी उठा के जेल में डालते, आपने ये नोटिस पे बवाल हो रहा है, एक नोटिस दे दिया आपने, कितने कांग्रेसी जेल में, एक आध नाम मुझे बता दीजिए, सरकार का दुरुपयोग कौन नहीं कर रहा है, जनता के विश्वास का दुरुपयोग कौन नहीं कर रहा है, इस केस को 15 में ईडी ने बंद किया। विनोद जी जी, कौन कौन जी, कौन जी, ऐसा राजनीतिक दल है जो जनता के विश्वास का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, बताइए आप। नहीं नहीं मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कमोवेश इस तरह की स्थितियां हर सरकार में रहती हैं, लेकिन लेकिन जहां तक आपके इस प्रश्न का है कि 2014 में जब सरकार बनी थी तो किन किन कांग्रेसियों पर मामला फंसा था, तो आप चाहे कोल स्कैम की बात करें या 2G स्कैम की बात करें या वाड्रा के खिलाफ बात करें, बहुत सारे, अरे भाई बीजेपी ने तो 154 घोटालों की लिस्ट दे दी थी, 154 कांग्रेसी तो अंदर होते, लोगों ने तो इसी विश्वास से वोट दिया था, लोगों को तो ये लगा था कि कितना करोड़ का घोटाला हो गया, देश बिक गया, तो वो नहीं हुआ ना 8 साल में। विनोद जी नहीं 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 मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए जी।
तो आप ये देखिए कि चाहे 2G के मामले में राजा और कंजीमोई का मामला रहा, वो दोनों जेल गए, उसके बाद जेल से उनको मुक्ति मिली, और इस तरह से ही ईडी की पूछताछ बाकी और लोगों से भी हुई, जिसमें वाड्रा भी शामिल थे, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की। मेरा सवाल सुन लीजिए कि जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी तो बीजेपी ने यह कहना शुरू किया था, भाई कांग्रेस ने देश बेच दिया, करोड़ों लाखों अरबों खरबों जाने कितने रुपए कांग्रेसी खा गए, हर एक कांग्रेसी भ्रष्टाचार में लिप्त है, हर एक कांग्रेसी मंत्री लिप्त है, प्रधानमंत्री, सब पे आरोप लगाया। अब सवाल ये उठता है कि 8 साल में कितने कांग्रेसी मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री कितने जेलों में हैं? ये तो कहीं ना कहीं लगना चाहिए था ना कि भाई हाँ वाकई में ये हुआ है तो 20-25 जेल में हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, आपका प्रश्न जो है ना वो थोड़ा लोडेड है, मतलब वो थोड़ा कांग्रेस को, ये किसी ने नहीं कहा था, सरकार के भ्रष्टाचार की बात हुई थी, मंत्रालय के भ्रष्टाचार की बात हुई थी, और मैं उन्हीं मंत्रालयों की बात गिना रहा हूँ जिसमें 2G घोटाले की बात हुई, जिसमें कोल घोटाले की बात हुई, जिसमें वाड्रा का नाम आया, जो जमीन घोटाले की बात हुई उस पर पूछताछ हुई। तो इसमें इस तरह का मसला नहीं था कि इसमें 1000 कांग्रेसी इन्वॉल्व है या 2000 कांग्रेसी इन्वॉल्व है या 500 कांग्रेसी इन्वॉल्व है, सबको किया जाएगा। जिन जिन मंत्रियों के नाम या जिन जिन मंत्रालयों से संबंधित मसला था, उन सारे मंत्रालयों पर कार्यवाही हुई, और वो सारे जिनको जेल जाना चाहिए था, चाहे डी राजा हो, चाहे कनीमोई हो, चाहे वो, अब चूंकि कोल घोटाले में लंबे समय तक कोल मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री के पास थी, तो प्रधानमंत्री पर अभी कार्यवाही या पूर्व प्रधानमंत्री पर कार्यवाही नहीं हो सकती, शायद उसके लिए कुछ कानून में परिवर्तन करा करके। देखिए मैं आपको सुनवा देता हूँ, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? सुरेंद्र जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप हाँ या ना में जवाब दे देना, थोड़ा सा एक लाइन में बता देना, कांग्रेस ने इस देश को बेच दिया कि नहीं बेच दिया, आप कहते हैं जैसा बेच दिया? बस बस बस, सुन लिया आपने विनोद जी? सुन लिया आपने? आप कह रहे थे ना लोडेड है, हाँ। सुन लिया आपने? बीजेपी कह रही है ना, बीजेपी ही कह रही है ना सर, ये सुरेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता है ना, ये कह रहे हैं सर कांग्रेस ने देश बेच दिया, फिर कांग्रेस अंदर क्यों नहीं है जेल में? सर मैं ये सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। चंद्रशेखर जी आप अगर सुरेन जी के अभी के स्टेटमेंट को रेट्रोस्पेक्टिव में 20 साल या 10 साल पुरानी बात पर ले जाइएगा तो वो थोड़ा सा उचित नहीं होगा, वो थोड़ा सा उचित नहीं होगा। आप किसका स्टेटमेंट है मुझे ये तो बताइए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि ये किसका स्टेटमेंट आप मुझे सुना रहे हैं। ये सुरेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, हमने इनसे पूछा अभी, जैसा आप कह रहे थे लोडेड लग रहा है सवाल, तो कांग्रेस बीजेपी भी शुरुआत से कहती रही। चंद्रशेखर जी आप सुरेंद्र जी के अभी के स्टेटमेंट को आप पुराने स्टेटमेंट पे या पुराने किसी उस पे जोड़िएगा तो वो ठीक नहीं है। मैंने आपको बोला कि चाहे 2G का मामला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे जमीन घोटाला हो, उन सारे लोगों पर आप ये बताइए, वाड्रा पर ईडी की पूछताछ हुई कि नहीं, ईडी की कार्यवाही हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर ये मामला है। अच्छा, इसमें इसमें तो इंडिविजुअल केस में गया है ना, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी के अदालत में जाने के बाद अदालत के फैसले पर यह कार्यवाही हो रही है ना, इसमें इसमें बीजेपी ये सरकार सिर्फ इसको सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल है, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी के अदालत में जाने के बाद ये कार्यवाही की गई है, तो इसमें भी अगर आप, अब आप मुझे ये बता दीजिए, कि अगर जो आदमी जिससे आज पूछताछ हो रही है, जिसके लिए पूरी दिल्ली को जाम किया जा रहा हो, वो राहुल गांधी नहीं होता, वो कोई
वो कोई सामान्य व्यक्ति होता, वो हीरा लाल होता या वो विनोद कुमार होता, तब भी कांग्रेस ही इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे होते। तब नहीं करते ना भाई, ये नहीं करते ना, यही तो हम कांग्रेस से पूछ रहे हैं। नहीं करते जी जी, तो यही तो हम कांग्रेस से पूछ रहे हैं जी जी। तो कोई भी आदमी जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है और वो पॉलिटिकल आदमी है, तो आप सड़कों पर आ जाइएगा, आप लोगों का जीना हराम कर दीजिएगा, आप पुलिस पर पत्थरबाजी कीजिएगा, आप पुलिस पर आक्रमण कीजिएगा। मैं मुझे ये बताइए, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। यही हम कांग्रेस से पूछ रहे हैं विनोद जी, तीन दिन से गिरिराज गर्ग जी से मैं फिर पूछ रहा हूँ इस बार आपके सामने। गिरिराज जी, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस गांधी परिवार के लिए संरक्षित करने के लिए हमेशा तैयार रही और आज भी सड़कों पर है तीन दिन से, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, उन तमाम मुद्दों पर आप जो जनता आपको देखना चाहती थी वह आप पीछे हट गए। यहाँ आप इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा विनोद शुक्ला जी ने कि भाई कोई हीरा लाल या कोई विनोद कुमार होते तो आप नहीं बढ़ते, लेकिन आज राहुल गांधी हैं इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या जनता ने इसीलिए कहीं ये सोच लिया है कि आप गांधी परिवार से ज्यादा किसी की आपको वक्त नहीं है? देखिए चंद्रशेखर जी, विनोद जी ने जो कहा मुझे लगता है ये कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कह रहे हैं। यही राहुल गांधी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुख्य जो मूल मुद्दे हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। आज देश के अंदर एकमात्र नेता है जिसने महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, और इसीलिए सरकार घबराई हुई है, इसीलिए सरकार द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। सरकार की मंशा साफ झलक रही है कि राहुल गांधी जो बोलता है, राहुल गांधी जो ठोक के सरकार के सामने सवाल खड़ा कर रहा है, राहुल गांधी को कैसे दबाया जाए, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। ठीक है विनोद जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे विनोद शुक्ला जी। जी मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा या इतना कहना चाहूंगा कि पंजाब समेत 5 प्रदेशों के चुनाव हुए लगभग 2 महीने हो गए, और कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है, सोनिया जी बीमार हैं, वो लगातार बीमार हैं, इसलिए वो चुनाव के समय भी नहीं रैली कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव 5 प्रदेशों में चुनाव खत्म हो गए, नहीं नजर आए, और अभी जब ये ईडी का सम्मन गया तब नजर आए। मुझे बताएं कि महंगाई को लेकर के इतना जोश क्यों नहीं दिखा, कि महंगाई को लेकर के इतनी गर्म जोशी से क्यों नहीं सरकार को घेर रही है कांग्रेस, कहां चले जाते हैं ये जी? गिरिराज जी, ये मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव है विनोद जी को। 5 राज्यों के चुनाव के बाद में अभी हाल ही में उदयपुर के अंदर 3 दिन का चिंतन शिविर, नव संकल्प शिविर किया कांग्रेस ने, पूरे देश की चिंता जाहिर की है, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, और पूरे देश के अंदर कांग्रेस के चिंतन शिविर चल रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है, आप भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा ही बोल रहे हैं। पार्टी छोड़ दिए गुजरात वाले सुरेंद्र जी और भारतीय जनता पार्टी की जो पंजाब में हुई है आपको वो नहीं दिख रही है, कांग्रेस दिख रही है आपको, राहुल गांधी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रात को नींद नहीं आती है, सपने में भी राहुल गांधी दिख रहा है। 30 साल से जो परिवार राजनीति में किसी सरकारी पद में नहीं है, सुरेंद्र जी हम जीत लिए और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। यूपी में जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की, और जहां तक बात रहा पंजाब में, तो पंजाब में हमारा पहले से नहीं था कुछ, आज जो है वो मजबूत हो गए। प्रदेश में क्या हुआ ये तो आप देखिए ना सर, आप देखिए 5 स्टेट में चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो आपने नारा दिया मैं भी लड़की हूँ ना लड़की हूँ, और पंजाब में मोदी जी लगे, अमित जी लगे, केंद्र सरकार लगे, 300 सांसद लगा दिए, गिरिराज जी सुन लीजिए, और जमानत दिवस आए पंजाब में, आपका खाता नहीं खुल रहा है। आप देखिए अभी उपचुनाव है,
गिरिराज जी, मैं आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए, सुन लीजिए एक बार, सुरेंद्र जी सुन लीजिए जी, सुरेंद्र जी जी, चंद्रशेखर जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यही सब चलता रहेगा क्या देश में? राहुल गांधी जी के नोटिस से जाते रहेंगे। सुनिए सुनिए भाई, सुन तो लिया। अरे भाई सवाल, आप सवाल तो सुनना, आप कैसे जान लेते हैं, आप कैसे जान लेते हैं मेरे सवाल का ये जवाब है? सवाल सुन लीजिए पूरा, सवाल आप सुन नहीं रहे, सवाल आप सुन नहीं रहे, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए मेरा। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ यही सब चलता रहेगा क्या देश में? ये राहुल गांधी जा रहे हैं, ईडी का नोटिस हो रहा है, यही सब चलता रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां देश को समाधान की आवश्यकता है, वहां कुछ होगा कि नहीं? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, सुरेंद्र जी। देखिए चंद्रशेखर जी, हमारा खास करके भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का कोई भी ऐसा मंशा नहीं है कि वो किसी प्रकार का कोई भी गलत उस पे जाए। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो, अरे भाई ये 2014 की कहानी सुनाना बंद कर दीजिए, मुझे पता है 8 साल में क्या हो गया। आपने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की, आप वही से शुरू करते हैं दोबारा, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की, आप शुरू से शुरू कर देते हैं। आप 2014 नहीं, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, कुछ होगा क्या? अब कब आएंगे जब तक भाई? इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है पूरी कहानी सुने। आप ये बता दीजिए कि कुछ होगा क्या? अभी जो चल रहा है ये जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी, नहीं नहीं, मैं चंद्रशेखर जी किरण भाई साहब से एक चीज पूछना चाहता हूँ। आज से 4 दिन पहले आपने भी देखा होगा, पूरा देश ने देखा किस प्रकार से पूरे देश के अंदर जुम्मा के दिन हिंसा, अराजकता, किस तरह से माहौल खराब हो गया, ये पूरा देश ने देखा। आपको मालूम था कि जब इस तरह का हिंसा हो रही है, अराजकता पूरे देश में फैला हुआ है, और उसी वक्त आपको दिल्ली के अंदर पूरे देश से कांग्रेस कार्यकर्ता को बुलाने की क्या जरूरत था? सिंपल सी बात थी, ईडी ने बुलाया, दफ्तर जाना था, उनका सवाल जवाब करना था, अपने घर आना था, किसी प्रकार का कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को विकास का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना जनता पे काम कर रही है, विकास कर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप देखिए, कल का दौरा जो है उनका लगे हुए है, अभी 2 दिन पहले का दौरा लगा हुआ था महाराष्ट्र का। हर रोज प्रधानमंत्री जी बाहर जाके, अदर अदर स्टेट में जाके, देश से बाहर जाके देश का विकास के लिए काम कर रही है, बल्कि इनके विदेश में जाके देश की बुराई करते हैं, ये भूल गए। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए जवाब जी। जो अभी सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि पूरे देश में जुम्मे के रोज जिस तरह का वातावरण बना, किसने बनाया वो वातावरण, कौन था पार्टी का प्रवक्ता, किसकी वजह से पूरे देश को नीचा देखना पड़ा, पूरे विश्व में देश की साख खराब हुई, ये किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी ने किया क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उस गलती को छुपाने के लिए आपने 7 साल पहले जो ईडी ने मुकदमा बंद कर दिया था, उसका नोटिस दिला के ध्यान भटकाने का काम आपने किया। बेईमानी आपके पार्टी के मन में है, देश को गुमराह आप करना चाहते हैं। 2014 से लगातार गुमराह कर रहे हैं, पूरे विश्व में देश की साख खराब हुई है, पूरे विश्व ने थू कर रहा है। आप देश के जो 10 करोड़ हिंदू विदेशों में व्यापार कर रहे हैं, आपको उनकी चिंता नहीं है कि उनके साथ क्या हास्य होगा? आप पूरे देश में आपने आग लगा दी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, गांव गांव के अंदर आज जहर घोल दिया। ये आपके कृत्य हैं, ये आपके कर्म हैं जो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, देखिए गिरिराज भाई साहब, आप जो है ना फिर यहाँ गलत आप आरोप लगा रहे हैं। क्या ईडी ने जो है जो आपके जो भेजा था,
आप बताओ ना, अरे आप बताओ ना, नुपुर सरकार ने क्या कहा था, नवीन जिंदल ने क्या कहा था, आप बताओ तो सही। क्या नहीं कहा, उसके ऊपर कार्रवाई हो गई, वो भी साफ नहीं है। और ठीक है, मैं सुरेंद्र जी, सुरेंद्र सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास, गिरिराज जी मैं आऊंगा आपके पास, विनोद शुक्ला जी आऊंगा, सुरेंद्र जी आऊंगा आपके पास, विनोद शुक्ला जी जो वर्तमान हालात हैं उसके समाधान के लिए भी कहीं राजनीतिक दलों को, पक्ष को, विपक्ष को कारगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कारगर होना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में पक्ष विपक्ष को कारगर होना चाहिए। मैं आपको एक संकट का कारण बता देता हूं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का नाम लिखा हुआ नहीं नजर आ रहा है। गिरिराज गर्ग। लेकिन लेकिन जी गिरिराज गर्ग जी गर्ग साहब की मुश्किल ये है कि गर्ग साहब और गर्ग साहब के पार्टी की मुश्किल ये है कि ये तो इनकी पार्टी ने नजर दिला दिया कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा। नुपुर शर्मा ने जो कहा उसको कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लेकिन गर्ग साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि गर्ग साहब ये बता सके कि नुपुर शर्मा ने किस बात पर मजबूर होकर के ये कहा। तस्लीम रहमानी गर्ग साहब के भगवान को लगातार गाली देता रहा और गर्ग साहब की हिम्मत नहीं पड़ी। ये इतने कायर हैं कि ये बोल नहीं पाए कि क्या बोलते हैं, हमारे भगवान के अपमान करने वाले को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये लगातार नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं, तस्लीम रहमानी पर अपीजमेंट के नाम पर इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और यही विपक्ष का मुश्किल है, ये पूरा विपक्ष जब हिंदुओं के खिलाफ लामबंद हो करके मुस्लिम अपीजमेंट की बात करेगा तो बीजेपी अगर हिंदुओं की बात कर रही है तो उसमें गलत क्या है? और कांग्रेस का ये हस्त होने के पीछे इसी तरह का कारण है। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि गर्ग साहब को तस्लीम रहमानी के बयान में कोई गलत नहीं नजर आता और नुपुर शर्मा का बयान जिस पर FIR हो गया है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उसको कोई सही नहीं कर रहा है, उसको जो भी अदालत, जो भी भारतीय कानून सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई करेगी। लेकिन कम से कम गर्ग साहब इस बात का हिम्मत तो जुटाएं कि भगवान शिव को जो अपमानित कर रहा हो उस पर बोलने का हिम्मत दिखाएं और अभी इस चैनल पर बैठकर भगवान शंकर को गाली देने वालों के बारे में दो शब्द खिलाफ में बोल के दिखाएं तो मैं जानूंगा कि इनका सेकुलरिज्म ट्रू सेकुलरिज्म है, नहीं तो अपीजमेंट है। गिरिराज जी देखिए, चंद्रशेखर जी, विनोद जी ने जो कहा ये धर्म के ठेकेदार तो यही है। गर्ग साहब तो इस्लाम को मानते हैं, हिंदू को मानते नहीं है, कांग्रेस ही तो हिंदू है ही नहीं, कांग्रेस को तो सारे मुसलमान है। अरे थोड़ा बोलने के पहले सोचा करो, कांग्रेस का हर व्यक्ति धर्म को मानने वाला है और हर व्यक्ति धर्म की पूजा करता है, चाहे शिव की हो, चाहे राम की हो, चाहे दुर्गा की हो, चाहे हनुमान। ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है? फर्ज पर आइए, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। मैंने आपसे जो प्रश्न किया, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। कांग्रेस का भगवान शंकर को गाली देने पर, भगवान शंकर पर गाली देने पर आप चुप्पी साधे हुए हैं, यही आपका धर्म है? भगवान शंकर को गाली दी जा रही है, आप चुप्पी दे रहे हैं? घर में करो नहीं, और नमाज सड़क पे पढ़ी जाएगी, नमाज सड़क पे पढ़ी जाएगी। क्या धर्म बात कर रहे हैं गर्ग साहब, क्या बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही इस तरह की बात करते हुए? धर्म आपको आनी चाहिए, आप इंजॉय कीजिए, आप धर्म के झूठे लीडर, आपने हिंदू धर्म को कलंकित किया है, बदला आप। अरे हम हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, हम हिंदू समाज के जो हिंदू खेलते हैं और हिंदुओं का और आप मुसलमानों को अपीज करते हैं, आप मुसलमानों को अपीज करते हैं, आप भी करते रहे ना। तो मैं तो करोना कार्रवाई,
यही करते आए हैं ना, यही अगर नुपुर शर्मा ने सही कहा था बंद कीजिए, बंद कीजिए, तो सरकार ने माफी मांगी, बंद कीजिए, भगवान को जो समय कम नहीं है, भगवान को गाली देते हैं, जो भगवान को गाली देते हैं, आप क्या बात, चलिए यही चल रहा है सब देश में कोई काम की बात नहीं हो पा रही। सुरेंद्र सिंह जी, गिरिराज गर्ग जी, विनोद शुक्ला जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए, जिसके कारण राजनीतिक दलों को सड़कों पर होना चाहिए उसके कारण सड़कों पर नहीं है, जनता के लिए कोई हक और हुकूक की बात नहीं हो पा रही है, यही सब देश में चल रहा है और जनता इसका इंतजार कर रही है कि उसके हक की आवाज़ कब बुलंद होगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडी न्यूज।